और उसके अलावा बेटा जिन बच्चों ने अभी तक अपना काम सबमिट नहीं कराया वो लोग अपनी फर्स्ट एपिसोड जो है प्लीज़ कोशिश करें कि आज ही उसको जमा करवा दें। आपको पता है कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो फिर थोड़ा सा घर से निकलना आप लोगों का भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि आज ही आप 3 बजे तक अपना वो तमाम काम जो है वो सबमिट करा दें। प्रीवियस एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड जो सेकेंड एपिसोड है आपके काम की उसको आप स्कूल से ले लें, ठीक है। आप वो काम लेंगे तो बेटा फिर ही आप अपना काम बुक के ऊपर और लूज शीट के ऊपर कर पाएंगे, और तमाम काम आप लोगों ने लूज शीट पे भी करना है और बुक पे भी करना है, ठीक है बेटा। ये चीजें मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड जो है उसका भी काम आपने लूज शीट पे करके हमें जमा करवाना था और बुक पे भी करना था, काम आपने लूज शीट पे करना है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लूज शीट सबमिट नहीं कराएंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से सेकंड एपिसोड भी जो है वो आपने 2 जगह पे काम करना है, बुक पे भी कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ आपने लूज शीट पे करना है, और लूज शीट्स जो है वो स्कूल में सबमिट करानी है जैसे आप प्रीवियस अपनी वेकेशंस में करवाते रहे हैं। जी बेटा, नात का चैप्टर हम कल पढ़ रहे थे। नात के शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है। कल हमने इसके 2 शेर पढ़े थे लेकिन बंद के मतलब 2 अशार हमने पढ़े थे। अब आज मैं थोड़ा सा वो भी रिपीट कर दूंगी और उसके साथ साथ आगे हम चलेंगे। जी बेटा, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। जी, तो ये जो नज़्म है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की तारीफ की गई है और शायर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो शायर कह रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत का लक़ब दिया गया, यानी कि आप तमाम मखलूकात के लिए और पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। आप गरीबों की मुरादों को पूरा करने वाले थे, यानी कि जो कोई शख्स आपके पास आकर अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करता तो आप उसकी उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। चाहे कोई आपसे खाना मांगता, कोई आपसे पैसे मांगता या कपड़े मांगता, कोई भी चीज़, या वैसे ही आपसे कोई मदद आपसे मांगता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम छोड़कर फौरन उसकी मदद करने के लिए जाते। किसी को मुसीबत में देखते तो आप फौरन उसकी मदद करते और उसकी उस परेशानी को कम करने की कोशिश करते, चाहे वो शख्स आप उसे जानते चाहे ना जानते। गैर का मतलब होता है कि जिसे आप नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो लोग जो कि परेशानी में मुबतला होते थे उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते थे। आप सबके दुख और तकलीफ को महसूस करते थे। गम खाने का मतलब होता है दुख महसूस करना। गम खाना कोई डिश नहीं है कि आप समझे शायद ये भी कोई नई डिश आ गई है। यहाँ पे खाने का लफ्ज लिखा है, ये मुहावरतन लिखा है गम खाना, इसका मतलब होता है किसी के दुख और तकलीफ को महसूस करना। तो हमारे प्यारे नबी ना सिर्फ जिनको जानते थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनके दोस्त थे, उनकी तकलीफ और दुख को महसूस करते थे, बल्कि जिसे नहीं भी जानते थे उनकी तकलीफ को भी महसूस करते थे। यहाँ तक कि कोई जानवर या परिंदा अगर आप देखते कि वो भी किसी मुसीबत में मुबतला है या वो भूखा है तो आप उस जानवर और परिंदे को भी खाना देते और उसको उस परेशानी से निकालने की कोशिश करते थे। फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, मलजा जायपना। जी, क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के बाहर हर वक्त फकीरों का जो है एक जमघट्टा रहता था, तांता बंदा रहता था, यानी कि पता था उनको कि यही वो दर है जहां से हमारी हर जरूरत पूरी हो सकती है। फिर आप बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते थे। ज़ईफ लोग आपको पता है कि वो चल नहीं पाते, अपना कोई काम खुद से सही तौर पे नहीं कर सकते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ईफ लोग होते उनकी मदद करते।
उनका वो बीमार होते तो उनकी तीमारदारी करते, उनका ख्याल करते, उनके काम काज कर देते। यतीमों के वाली यानी कि आप यतीमों के मददगार थे। यतीम वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर यही हिदायत की तमाम मुसलमानों को भी कि अगर कोई यतीम की कफालत करेगा तो वो जन्नत में अपना घर बनाएगा। यानी कि वो लोग जिनके कोई मदद करने वाला नहीं, जिनके माँ बाप नहीं होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरपरस्त बन जाते और उनका ख्याल रखते। गुलामों का मौला, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुलामों का बहुत बुरा हाल था, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। लोग पैसे देकर गुलामों को खरीद लेते थे और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे। उनकी हिम्मत और ताकत से ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता था और उनसे बहुत खाने को कम देते थे और निहायत गैर इंसानी सलूक जो था वो उनके साथ किया जाता, मारपीट भी की जाती, उन्हें आराम करने का टाइम भी नहीं दिया जाता था। तो इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है कि जिसने हर कमज़ोर को उसका हक दिलाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किए। हज़रत बिलाल, आपको पता है कि वो एक हबशी थे और उस ज़माने में हबशियों को ख़रीद कर ग़ुलाम बनाया जाता था और ये आम रिवाज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल के लिए बहुत कोशिश की और कहा कि जो शख्स उनको आज़ाद करवाएगा वो यानी कि अल्लाह ताला उसे उसका बहुत अच्छा अजर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों का उनका सही हक दिलाया, यानी कि उनको भी इंसान समझा जाए और उनके साथ भी इंसानों की तरह सलूक किया जाए। अब चाहे कोई शख्स ग़ुलाम है तो उसको भी उतनी ही आराम की ज़रूरत है जितनी कि उसके मालिक को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों का उनका सही हक दिलाया, आप ही उनके सही आका थे जिन्होंने उनका इंसानियत का दर्जा उन बेचारों को दिलाया। जी अगला है, बंद बेटा, खताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला। खताकार का मतलब है गलती करने वाला, दरगुजर माफ करने वाला, बद अंदेश दूसरों का बुरा चाहने वाला। बद अंदेश का मतलब है बुरा चाहने वाला। बेटा मानी साथ साथ नोट कर लें ताकि आप लोगों को अशार को समझने में आसानी हो। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गलती करने वाले को माफ कर देते थे और वो शख्स जो आपके साथ बुराई करता था, जो बद अंदेश होता था, आपका बुरा चाहता था, आप उसके साथ इतना अच्छा सलूक करते आप उसके दिल में अपनी जगह बना। दिल में घर करना का मतलब होता है कि किसी को आप पसंद आ जाएं, कोई शख्स आपसे मुतासिर हो जाए आपकी अच्छाई से, आपके हुस्न सलूक से। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया की बेहतरीन मिसाल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई गलती करता, यहाँ तक कि कोई आपको बुरा भला भी कह देता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई लोगों ने इस तरह किया कि आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, यहाँ तक के ताइफ के लोगों के बारे में आप जानते हैं कि ताइफ के लोगों ने दावत इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आवारा लड़के लगा दिए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ बिल्ला पत्थर बरसाते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं, ताइफ का शहर दो पहाड़ों के दरमियान आबाद था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं इस पूरे शहर को इन दो पहाड़ों के साथ मिलाकर इनको पीस के रख दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए बददुआ नहीं करूँगा क्योंकि इनकी नस्लों में से बहुत बड़े बड़े आलिम और मुसलमान निकलेंगे जो कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी में अपना किरदार अदा करेंगे। यानी कि आप गलती करने वाले को माफ़ कर देते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने प्यारे नबी की सुन्नत की पैरवी करते हुए अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक करे तो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। और अगर हमें अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनना है तो हमें भी दूसरों की गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए। तो जो शख्स आपके साथ जितना बुरा सलूक करता आप उसके साथ उतना अच्छा सलूक करते।
तो आप उसके साथ इस तरह से पेश आते कि वो शख्स शर्मिंदा हो जाता अपने किए पर कि मैंने इनके साथ कितना गलत किया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुर्विदा हो जाता, यानी कि आपको बेपनाह पसंद करने लगता आपके अच्छे हुस्न सलूक की वजह से। नॉर्मल इंसानी रवैया क्या होता है कि अगर कोई शख्स आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप कहते हैं कि अब तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है, मैं इससे भी बुरा सलूक इसके साथ करूं। लेकिन हमारा मजहब, हमारा खुदा, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब हमें यही बताते हैं कि माफ कर देने वाला इंसान सबसे ज्यादा अच्छा है अल्लाह के सामने, और बहादुर वो है कि जो बदले की ताकत रखते हुए भी अपने दुश्मन को माफ कर दे। तो हम बहादुर तभी कहलाएंगे जब हम अपने गुस्से पे काबू पाएंगे और दूसरों को माफ करेंगे। मुफासिद का जेरो जबर करने वाला, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला। मुफासिद झगड़े, जेरो सबर करना खत्म करना। कबाइल कबीले की जमा है, शीरो शक्कर ये लफ्ज शेर और शक्कर नहीं है, बेशक छोटी सी जेर लगा लें इसके नीचे, शीरो शक्कर। शीरो शक्कर करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा दोस्ती करवाना, ठीक है, यक जान जिसे कहते हैं ना, हो जाना। शीर कहते हैं वैसे दूध को और शक्कर कहते हैं चीनी को। अगर दूध के अंदर आप चीनी को मिक्स कर दें तो क्या आप उसको अलहदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जिस तरह अगर चीनी को दूध के अंदर हल कर दिया जाए तो वो उससे अलहदा नहीं हो सकती, इस तरह से किसी की दोस्ती करा देना, इस तरह से किसी के ताल्लुकात को अच्छा बना देना, ये मुहावरा है शीरो शक्कर होना, ठीक है। तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कौम को एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना सिखाया। अरब के लोग जो थे वो लड़ाई झगड़े करने में बहुत फख्र महसूस करते थे। जो जितना झगड़ालू और लड़ाका होता था और जंगो जदल करता था, खाम खा लोगों के साथ कत्लो गारत गिरी करता था, उसको बहुत बहादुर समझा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की और उनको बताया कि लड़ाई झगड़े छोड़ दो सिर्फ अल्लाह के लिए, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए। अरब कौम तो इस तरह की कौम होती थी कि छोटी छोटी बातों पर कई कई साल तक, कई कई नस्लों तक वो लोग जंग बंद नहीं करते थे। कबाइल आपस में हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे, यहां तक कि अगर किसी एक कबीले ने दूसरे कबीले वालों ने अपने जानवरों को पानी पहले पिला लिया है तो वह इस बात पर लड़ाई शुरू होती, और कई कई नस्लें, कई कई सौ लोग जो थे उस जंग में कुर्बान हो जाते थे, इस झगड़े की नजर हो जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरब कौम को शीरो शक्कर की तरह कर दिया, यानी कि उनमें इतनी दोस्ती करा दी, सुलह सफाई करा दी, उनके झगड़े खत्म करा दिए, और उसके साथ साथ उनको ऐसा इंसान बना दिया कि जिनके अखलाक सबसे आला हो गए और वो एक दूसरे के लिए जान देने लगे, एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। हिरा से मुराद यहाँ गारे हिरा है। सुबह कौम, कौम की तरफ, सुबह कौम, ये सोए कौम नहीं है बेटा, सुबह कौम है, ऊपर पेश है, यानी के कौम की तरफ। नुस्खाए कीमिया, नुस्खाए कीमिया होता है सोना बनाने का नुस्खा, वो फॉर्मूला जिससे सोना यानी कि गोल्ड बनाया जाता है उसे कहते हैं नुस्खाए कीमिया। और यहाँ पर सोना बनाने का नुस्खा जो है, जिस चीज के लिए जिक्र किया गया है, उससे मुराद है कुरान पाक, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने काफी लंबा जो है इसका मानी लिखा है कि सोना बनाने का नुस्खा मुराद कुरान पाक जी। अब शायर कह रहे हैं कि हिरा से उतर कर अपनी कौम की तरफ आए और अपने साथ एक सोना बनाने का फॉर्मूला या नुस्खा लेकर आए। तो इस शेर में शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हिरा से उतर कर अपनी कौम के पास आए, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी आपको नबुवत के मनसब पे फाइज नहीं किया गया था तो उस वक्त भी गारे हिरा में जाते थे और वहां जाकर घंटों अल्लाह ताला की इबादत करते रहते थे, यानी कि अल्लाह ताला को याद करते रहते थे।
अभी आपको बाकायदा नहीं पता था कि नमाज कैसे पढ़नी है, अभी आपको नहीं बताया गया था, लेकिन आपको बहुत अच्छा महसूस होता था कि आप वहां तन्हाई में जाकर अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो करें। तो ऐसे ही आप गारे हिरा में थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन वही लेकर आए, तो उस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है कि हिरा की गार से आप निकल कर जब अपनी कौम के पास आए तो आपके पास एक सोना बनाने का नुस्खा था, यानी कि कुरान पाक की आयात आप पर गारे हिरा में नाजिल हुई और वहीं पे अल्लाह ताला का पैगाम आपके पास आया कि जाइए और अपनी कौम को इस्लाम की दावत दीजिए, आपको अल्लाह ताला का नबी मुंतखब कर लिया गया है। तो ये पैगाम आप अपने साथ लेकर आए और ये पैगाम क्या था कि सूरह अलग की पहली पांच आयात आप पर नाजिल हुई थी और सूरह अलग जो है वो कुरान पाक की सूरत है, यानी कि आप हमारे लिए कुरान पाक का तोहफा लेकर आए, अपनी कौम के लिए गारे हिरा से कुरान पाक का तोहफा लेकर आए और कुरान पाक हमारे लिए एक तोहफा है, अल्लाह ताला का पैगाम है। हम अल्लाह ताला से बात नहीं कर सकते, अल्लाह ताला हमसे बात डायरेक्ट नहीं करता, तो हमारे नबी जो थे वो अल्लाह ताला की बताई हुई बातें हमारे पास लेकर आते और वो बातें क्या होती थी, कुरानी आयात की शक्ल में होती थी। तो कुरान जो है वो इसीलिए तमाम इंसानों के लिए कयामत तक राह हिदायत है और हिदायत का जरिया है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ बता दिया है, वो तमाम अहकामात जारी कर दिए हैं जो जिसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो इंसान के लिए इंसान को सोना बना देने का नुस्खा, यानी कि उसको सही मानों में एक अच्छा इंसान बनाने का जिससे अल्लाह ताला खुश हो, आप वो पैगाम हमारे लिए गारे हिरा से लेकर आए थे। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्णों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, मिसे खाम कच्चा तांबा, ये कम हैसियत यानी कि कम कीमत धात है कच्चा तांबा, और कुंदन का मतलब है खालिस सोना, यानी कि आपने कच्चे तांबे को खालिस सोने में बदल दिया। खरा और खोटा अलग कर दिखाया, खरा का मतलब सच्चा और खोटा का मतलब झूठा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी और अपनी तालीमात की बदौलत जो था वो कच्चे तांबे को खालिस सोने में बदल दिया। कच्चे तांबे से मुराद यहाँ अरब की बिगड़ी हुई कौम है जिनको खुदा का कुछ पता नहीं था, बुत परस्ती में मुब्तला थे, कुफ्र करते थे वो लोग, हर बुराई उनके अंदर थी, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, जो ताकतवर थे वो कमजोरों को अपने पैरों तले रौंद देते थे, गरीब का हक मारना, यतीमों का हक खाना, हर किस्म की बुराई जो थी वो उस वक्त अरब कौम में थी, इसीलिए उनको कच्चा तांबा कहा गया है कि वो एक कम हैसियत कौम थी जो अपने जो है अखलाक से गिरी हुई कौम थी, जिसकी तरबियत करके आपने उसको खालिस सोने की तरह कीमती बना दिया, उनको तमाम बुराइयों से पाक कर दिया, उनकी इतनी अच्छी तरबियत की कि ये कौम दुनिया की सबसे अच्छी कौम बनकर उभरी, कच्चे तांबे से खालिस सोना बन गई। आपने अपनी तालीमात से उनको सच और झूठ में फर्क करना सिखाया और उनको बताया कि चाहे तुम्हारा नुकसान ही क्यों ना हो, हर हाल में सच बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ जो है ना बेटा वो हर खराबी की इब्तदा है। जब इंसान झूठ बोलता है ना तो फिर वो हर गलत काम कर सकता है, जब इंसान सच बोलना सीख लेता है ना, कभी झूठ नहीं बोलता, तो फिर वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये एक बुनियादी बात है कि हमेशा सच बोलें, झूठ से बचें। एक तो अल्लाह ताला के गुनाहगार होंगे, दूसरे आप बुराइयों में घिर जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे आज मार्क कर लीजिए, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो इंशाल्लाह कल हम इस नात जो नज्म है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा आप लोगों को मैं